हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कुलचे। कुलचे बनाने के लिए हम लेंगे 3 कप मैदा। इसे मैं कप से मेज़र कर रही हूँ और अगर हम इसे देखेंगे तो ये 250 ग्राम मैदा है, 250 ग्राम्स। और कुलचे मैदे से ही अच्छे बनते हैं, इसलिए आप भी मैदे का ही यूज़ कीजिए। 3 साढ़े 3 कप मैदा लेने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। ये मैंने बेकिंग सोडा भी डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, ये 1 चम्मच चीनी है। चीनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, हल्का सा 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे हम इसमें। अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, हल्का सा नमक डाला है, बिल्कुल 1/4 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालूंगी और इसे अच्छे से हाथ से सबको मिक्स कर लूंगी ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ये सब मिक्स हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी दूध, दही। मैंने 2 चम्मच दही लिए हैं जिसमें थोड़ा सा दूध डाला था, उसे फेंट के रखा हुआ था, वो मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। इसको डालने से क्या होगा, एक तो हमारे कुलचे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और उनमें मॉइस्चर भी बना रहेगा, वो हार्ड नहीं होंगे बिल्कुल भी। इसके लिए आप अकेले दही का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने दही में थोड़ा सा दूध डाला था और उसे फेंट के अच्छे से रखा था, तो वो मैंने इसमें डाला है। और अब हमने ये आटा लगा लिया है पानी से धीरे धीरे करके। अब इस आटे को रेस्ट के लिए रखें तकरीबन 1.5-2 घंटे। आजकल गर्मी है तो 1.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी साइड पे सर्दी है या थोड़ा सा मौसम अभी सर्दी वाला है तो आप इसे 3 से 4 घंटे आराम से कवर करके रखिएगा। अब इस आटे को मैं बीच से दो उसमें पार्ट में कर लूँगी अलग अलग। इसको अच्छे से मसल लेंगे हाथ से और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। डस्ट करूंगी और इसे बेलन की मदद से पतला सा बेल लूंगी। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी इसकी शेप दे सकते हो जो आपको पसंद हो। मैं इसे भी राउंड में बेलूंगी। आप लंबा लंबा भी बना सकते हो, जैसे मार्केट में मिलता है गोल भी बना सकते हो, कुछ भी शेप इसको अपने बेलन से दे सकते हो आप। कुलचा डाल रही हूँ, कुलचे को हाथ से थोड़ा सा फैला रही हूँ ताकि इसकी शेप अच्छी।
त्वचा जो है वो हार्ड ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी सा बने। बस इसे इसी तरह से अब पलट लूंगी और फिर से इस ढक्कन को रख दूंगी। इससे क्या होगा, हमारा जो त्वचा है वो हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा और मॉइस्चर उसमें बना रहेगा। इसी तरह से मैं सभी अपने त्वचे बना लूंगी। अब जैसे ही कुलचा बन जाएगा उसके बाद उसमें बटर या घी कुछ भी जो आपको पसंद है वो लगा के रखें, वरना आपके कुलचे जो है वो हार्ड हो जाएंगे। बस इसी तरह से एक कुलचा डालना है, थोड़ा सा पानी छिड़कना है उस पे और इसे ढक्कन बंद करके अच्छे से रख देना है। इसी तरह से सभी कुलचे बनाने हैं अपने, ये देखिए। और अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो इसे आप ओवन में रखिए,